हर दिन को सेलिब्रेट करो, हर दिन खुशी मनाओ. लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता. मैं रुखसार बेगम के साथ हूँ, बहुत सुंदर लग रही है ये. और रोजे और जो रमजान की जो नूर है वो सब यहीं पे आ गया लग रहा है. बड़ी हसीन रात है और सब तीनों के दिन मौजूद है. क्या कहना चाहेंगे इस प्यारे इवेंट के लिए, एक रात इस रात के लिए? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि राजन सर ने, शाही प्रोडक्शन ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया और वो तो अलबेला के सेट पे किया. हमें सबको वेलकम करने का मौका मिल रहा है. सारे डीकेपी के शोज के लोग हैं जो पहले डीकेपी के साथ काम कर चुके हैं वो लोग भी आए हैं. और ये डीकेपी है जो इतने सारे लोगों को जोड़ता है, एक फैमिली की तरह रखता है. जैसा और भी लोगों ने बताया कि सर इतनी रिस्पेक्ट देते हैं अपने हर आर्टिस्ट को, अपने हर क्रू मेंबर को, कि कोई भी छोड़ के जाना नहीं चाहता. एंड आई एम वन ऑफ देम कि मैं जिंदगी भर डीकेपी के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ. हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे काम तो जिंदगी भर करने चाहिए, पूरे साल करने चाहिए, ये उसकी एक तैयारी होती है. तो इस महीने में व्हाट आई ट्राई एंड मेक श्योर इज जो लोग ज़रूरतमंद है उनकी कुछ मदद कर सकूं. और अच्छा माहौल रहता है, खुशियों का माहौल रहता है. तो अच्छा ऐसा है क्या? कितने फूडी हैं आप अगर बता? बहुत बहुत ज़्यादा फूडी हूँ मैं. जो अच्छा लगता है, जो मन करता है वो खाता हूँ. बट रेशो कोशिश करता हूँ कि हेल्दी ज़्यादा रखूँ और कभी कभी फिर चीट डाइट कर लेता हूँ, चीट फूड. यही कहना चाहूँगा कि हर दिन को सेलिब्रेट करो, हर दिन खुशी मनाओ. और लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता. तो मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट यू लिव. मैं रुखसार बेगम के साथ हूँ, बहुत सुंदर लग रही है ये. और ये ईद की, आप ईद नहीं सॉरी, रोजे और जो रमजान की जो नूर है वो सब यहीं पे आ गया लग रहा है. और सुमी बाजी आपको बताएंगी कि इनको कैसा फील हो. बहुत अच्छा लग रहा है यार, सो मेनी पीपल अराउंड, आई एंड देयर सो मच फूड. अगर पीछे देखें तो मैं अभी थोड़ा सा खाऊंगी भी. और आप सभी को रमजान मुबारक, ईद मुबारक. थैंक यू. पर आपने कुछ खाया पिया नहीं है? नहीं खाया पिया. बाय.